वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो अभी हम आज बात करेंगे कि एक बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव को नॉर्मल यूएसबी पेन ड्राइव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये हमारे एक मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। एक्चुअली ये होना भी चाहिए क्योंकि जो रेगुलर हैं चैनल पे उनको पता होगा कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है चैनल पे, और पेन ड्राइव को बूट कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। बट पेन ड्राइव को बूट करने के बाद उसे अनबूट कैसे करना है ये मैंने नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, बहुत ट्रिकी है ये। अगर आपको बूट करना आता है तो अनबूट करना भी आपको आना चाहिए यूएसबी पेन ड्राइव को। ओके, तो अभी हमारे पास कंप्यूटर मेरा ऑन है। ओके, तो सबसे पहले दिस पीसी में चले जाते हैं, ओपन कर लेते हैं। This PC items new multi select list box folders expanded 3D objects 1 of 10 to move to an item press the arrow keys. Okay, अब यहाँ पर जिस पेन ड्राइव को आपने बूटेबल बनाया है अब उसे नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करना है। ये मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, मेरी पेन ड्राइव बूटेबल बनी है। एक मिनट, ये 32 GB की पेन ड्राइव, सॉरी 16 GB की पेन ड्राइव है। Okay. Not selected. 3D objects. 1 of 10. Not selected. 3D objects. 1 of 12. New notification from autoplay. Let the underline NTFS left parent F colon right parent. Select the choose what happens with removable drives. Okay. तो ये pen drive insert हो चुकी है और यहाँ पे show भी हो रही है, देखिए। Desktop. Picture. With devices and drop. Local disk left parent. CCCOMA underline X64 pre underline N dash US underline DV9 left parent E colon right parent. 10 of 12. देखिए, ये है USB pen drive. और इसका एक और पार्ट, जब बूट टेबल पेन ड्राइव होता है तो उसके दो पार्टीशन दिखते हैं, देखिए, है ना। जबकि नॉर्मली पेन ड्राइव का एक ही पार्टीशन होता है, बट यहाँ पे दो पार्टीशन दिख रहा है क्योंकि इसका जो पार्टीशन होता है वो क्या एक तरह से हट चुका होता है पेन ड्राइव का जो पार्टीशन जब बूट करने के बाद। अभी देखिए, मैं इसको अगर ओपन करूंगा, ये नाम आ रहा है पेन ड्राइव का बूट टेबल होने के बाद। इसमें एंटर करके हम ओपन करते हैं पेन ड्राइव को। देखिए, यहाँ पर विंडोज 10 यहाँ पे इस पेन ड्राइव में डली हुई है क्योंकि विंडोज 10 का बूट मैंने बनाया है। देखिए, ना इस तरीके से यहाँ पे विंडोज 10 इस पेन ड्राइव में है। अभी ये बूट टेबल है, इसे हम अनबूट करेंगे। ओके, तो इसको हम सबसे पहले पेन ड्राइव से बाहर आ जाते हैं हम। ओके, मैं बैक स्पेस करता हूँ। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं। अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है क्योंकि इस पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। तो रन डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए CMD। मैं टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करना है। ओके, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब
वो पेन ड्राइव सिस्टम में लगी है, जो मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट किया था वो लगी है, ध्यान रहे वो निकालना नहीं है। ओके, उसे इजेक्ट नहीं करना जब तक पूरा प्रोसेस खत्म ना हो जाए पेन ड्राइव को। तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, यहाँ पर हमें कुछ कमांड्स यहाँ पे टाइप करने होंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करने होंगे। तो कमांड्स मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। ओके, तो सबसे पहला कमांड है, सबसे पहला कमांड यहाँ पे टाइप करना है डिस्क पार्ट, DISKPART। ओके, विदाउट एनी स्पेस मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे DISKPART। ओके, डिस्क पार्ट टाइप किया और एंटर प्रेस करना है। Enter. User account control dialog. Do you want to allow this app to make changes to your device? Disk part. Verify publisher : Microsoft Windows. No button to activate. Press spacebar. Alt followed by N. अब यहाँ परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे by default जो focus है वो no है, but हमें yes करना है यहाँ पे। Alt Y up कर सकते हैं या फिर shift tab से जाना है। Yes button to activate. Press spacebar. Alt followed by Y. Yes button पे spacebar. Space. Microsoft Disk Part version 10.0.1904/1.964. Copyright left parent C right parent Microsoft Corporation. On computer :desktop-5qjonh4. Disk for greater C :\windows\system32\disk.x. Okay. यहाँ पर अभी ये विंडो आ चुकी है, CMD की विंडो फिर से, जब हमने उसको परमिशन दिया यस करके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप करना है, जो नेक्स्ट कमांड है वो लिस्ट डिस्क, LIST DISK। ओके, तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे LIST DISK और एंटर प्रेस करना है। Enter disk number status size :\dpp\dash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 \
crisp or greater. तो देखिए यहाँ पर दो, जब लिस्ट डिस्क टाइप किया था यहाँ पर डिस्क की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे दो डिस्क शो होती हैं, एक जो हमारा सिस्टम होता है उसका डिस्क आपने ध्यान से सुना होगा 931 GB, ये कंप्यूटर का डिस्क है, और जो 14 GB दिखा रहा है वो पेन ड्राइव का डिस्क है। ओके, आपको स्टोरेज कैपेसिटी से यहाँ पे अंदाजा लगाना होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा, यहाँ पे अप एंड डाउन एरो से आप रीड नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपको दोबारा से इसको सुनना है तो आप इंसर्ट के साथ बी प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से अनाउंस करेगा। ओके, बट आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला डिस्क है उसके लिए ये जीरो आ रहा है, और जो पेन ड्राइव वाला आ रहा है वो आ रहा है डिस्क वन। ओके, डिस्क जीरो जो है वो कंप्यूटर यानी पीसी का डिस्क है 931 GB, और डिस्क वन जो है वो यूएसबी पेन ड्राइव का है। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो डिस्क वन है पेन ड्राइव वाला उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे करना है, इसको यहाँ पे कमांड देनी है। सेलेक्ट करने की कमांड क्या होगा, सेलेक्ट डिस्क वन, कैसे, SELECT स्पेस DISK स्पेस वन, और एंटर प्रेस करना होगा। तो मैं टाइप करता हूं यहाँ पे, ओके, SELECT स्पेस DISK स्पेस वन और एंटर, सेलेक्ट डिस्क वन, एंटर। एंटर डिस्क वन इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क फॉर ग्रेटर। देखिए अब यहां पर जैसे ही एंटर किया, या बोल रहा है डिस्क वन इज नाउ सिलेक्टेड, इसने बोला यानी डिस्क वन अब सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अगली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अगली कमांड ध्यान से सुनना, तो अब ये डिस्क सेलेक्ट हो चुकी है, जो भी हमें डिस्क चाहिए थी पेन ड्राइव वाली डिस्क, डिस्क वन सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें इसे क्लीन करना है। ओके, इसमें जो भी डेटा है उसे क्लीन करना है। यहाँ पे क्लीन वाली कमांड यहाँ पे देनी है, CLEAN, मैं टाइप करता हूँ CLEAN क्लीन और एंटर। एंटर डिस्क पार्ट सक्सेसफुली क्लीन इनटू द डिस्क फॉर ग्रेटर। यहाँ पे देखिए जैसे एंटर किया यहाँ गया डिस्क पार्ट सक्सेसफुली एंड क्लीनिंग द डिस्क, ये आ गया। ओके, अब हमारा जो पेन ड्राइव में जो भी डेटा था वो पूरा क्लीन हो चुका है, बट अभी यहाँ पे पार्टीशन अभी यहाँ पे बना नहीं है, जैसे नॉर्मली पार्टीशन होता है पेन ड्राइव में। अब यहाँ पे दो पार्टीशन शो हो रहा है। ओके, अभी एक कमांड और
क्रिएट करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। और वो कमांड है, आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, CREATE स्पेस PARTITION स्पेस PRIMARY क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, यहाँ पे टाइप करना है। ओके मैं टाइप करता हूँ, देखिए CREATE स्पेस PARTITION स्पेस PRIMARY। ओके क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर करना है। Enter. This part succeeded in creating the specified partition. This for greater new notification from autoclave USB drive left parent E colon right parent. Select to choose what happens with removable drives. देखिए, अब हमारा जो पेन ड्राइव है वो नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं दिस पीसी में जाऊंगा, ऑल्ट टैब प्रेस करना है दिस पीसी में जाने के लिए। सी कोलन दिस पीसी दिस पीसी। ओके तो पहले तो आपको, पहले आपने ध्यान दिया होगा पेन ड्राइव का नाम क्या था, अभी हम देखते हैं अब क्या नाम हो गया यहाँ पे। USB drive left parent E colon right parent end of 11. देखिए अब यहाँ पे एक ही पार्टीशन है, DVDRW drive left parent E colon right parent 11 of 11. पहले आपने देखा था F आ रहा था NTFS करके, अब यहाँ पे एक ही पार्टीशन है USB drive left parent E colon right parent end of 11. है ना, पहले कुछ CCMS पता नहीं क्या कुछ करके आ रहा था, अब यहाँ पे इसका नाम हो गया USB drive. USB drive left parent E colon right parent local disk left parent E colon right parent USB drive left parent E colon right parent end of 11. Okay. अब क्या करना है आपको, लास्ट एक प्रोसेस है, इस यूएसबी पेन ड्राइव को आपने फॉर्मेट करना है। कैसे? कर्सर रखना है यूएसबी ड्राइव पे और एप्लीकेशन की करना है। अगर आपके, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन की नहीं है तो वहां पर आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Context menu to navigate, press up or down arrow. Oh, new notification from Windows Security Update Virus Protection. Okay, तो application की किया, अब down arrow से जाना format पे. Open a new window. E. Hit the quick access key. Open autoclave .. What? Scan with Microsoft Defender .. F. Give access to submenu. E. Include in library submenu. I. Hit the start key. Format .. A. देखिए format .. आया, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। Enter. Leaving menus. This PC. Items. New multi-select list box. Devices and drives expanded. USB drive left parent E colon right parent. End of 11. To move to an item, press the arrow keys. Format. USB drive left parent E colon right parent. Dialog. Start button. To activate, press space bar. Alt plus S. तो start button आ रहा है, यहाँ पे start button पे space bar. Space. Format. USB drive left parent E colon right parent. Dialog. Warning colon formatting will erase all data on this disk. To format the disk, click OK. To quit, click cancel. OK button. To activate, press space bar. Okay, warning दे रहा है, अभी यहाँ पे कोई data है ही नहीं है। तो ओके कर देते हैं। Cancel. Okay button. Space. Cancel. Format in USB drive left parent E colon right parent dialog. Cancel button to activate. Press space bar. 100%. Format in USB drive left parent E colon right parent dialog. Format complete. Okay button to activate. Press space bar. Okay. Format complete. और okay पे space bar. Space 0%. Close. Format USB drive left parent E colon right parent dialog. Close button to activate. Press space bar. Alt plus C. Simple space bar करके इसे close कर देना है। Space. This PC. Items. New multi-select list box. Devices and drives expanded. USB drive left parent E colon right parent. 0% 14.5 GB. Free of 14.5 GB. देखिए अब 0% बोल रहा है, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। USB drive left parent E. Enter करता हूँ मैं। Enter. USB drive left parent E colon right parent. Items. New list box. देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो पहले विंडोज की फाइल्स थी यहाँ पे पेन ड्राइव में, वो कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे। सारा कुछ, This PC unavailable. सारा कुछ फॉर्मेट हो चुका है और हमारी जो यूएसबी पेन ड्राइव है वो नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके तो आप इस तरीके से अपना पेन ड्राइव बूट कर सकते हैं। बूट कैसे करना है इसकी प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और इस जो अभी मैंने बताया आपको, इस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे अनबूट कर सकते हैं। ओके तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।